सिक्स प्रॉब्लम्स की कहानी पेशेंट की जुबानी। आइए इसके बारे में बात करता हूँ। काफ़ी सारे लड़के लोग मेरे पास में आते रहते हैं, अलग अलग सेक्स प्रॉब्लम्स है, लैंगिक समस्या है, और उसका इलाज हो सकता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे पास में आते ही नहीं है। मन के मन में घुटन होती है, बाहर किसी से बात नहीं कर सकते, और फिर खुदकुशी कर डालते हैं कि उनको लगता है कि इसमें कोई इलाज नहीं है। और ये बात करता हूँ ऐसे तीन पेशेंट्स के बारे में कि जिनको सेक्स प्रॉब्लम हुआ और उनकी परेशानियाँ काउंसलिंग करके दवाइयाँ लेके ठीक हो गई। तो ये पहला जो है वो लड़का है अप्रॉक्सीमेटली 28 साल का। वो आया मेरे पास में कि उसको लड़कों के तरफ अट्रैक्शन है, लड़कों के पास में उठना बैठना, उनकी कंपनी उसको अच्छी लगती है। वो जानबूझ के फिजिकल टच करेगा, गले मिलेगा, झप्पी मारेगा, उसको अच्छा लगता है, और लड़कों के प्रति बहुत आकर्षण है, और लड़कों के साथ में उसने एक दो बार सेक्स भी किया हुआ है। तो मतलब ऑन द फेस ऐसा लगा कि वो होमोसेक्सुअल है, कि भाई उसको होमोसेक्सुअलिटी है, मतलब समलैंगिकता है, इसलिए ऐसा करता है। बट जब डिटेल इंटरव्यू लिया उसका, तब उसने बताया कि नहीं, उसको ऐसा लगता है कि भाई वो लड़की रहता था तो अच्छा रहता था, वो गलत सेक्स मिल गया उसको, वो तो उसको तो लड़की होनी चाहिए थी, मतलब लड़की रहता तो मज़ा आता था, और वो लड़की खुद को ऐसा महसूस करता है, और वो अभी उसको लगता है कि नहीं, मैंने लड़कों के साथ में शादी करना चाहिए, क्योंकि मैं लड़की जैसा हूँ तो मैंने लड़कों के साथ में शादी। अच्छा, फिर लिंग बदलना है क्या? मैंने बोला, पूछा उसको कि भाई आपको लिंग बदल के शस्त्रक्रिया करना है? तो नहीं, बोला ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि लिंग बदल करने के बाद में थोड़ी ही मतलब बच्चे पैदा करेंगे, या ऐसा कुछ थोड़ी होने वाला है, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो फिर करना क्या, आपको चाहिए क्या? तो अभी वो इतना कन्फ्यूजन में है कि उसको लगता है कभी कभी होमोसेक्सुअल हूँ, लड़कों के प्रति आकर्षण, कभी लगता है कि नहीं, मैं लड़की रहा तो आकर्षण, मतलब मैं लड़की हूँ और मुझे लड़की जैसा बिहेव करता ऐसा अच्छा लगता है, और मैं लड़की जैसा रहूँ तो अच्छा है, और मैं लड़कों के साथ में शादी करूँ तो अच्छा है, उनके साथ में रहूँ तो अच्छा है। तो टोटली कन्फ्यूज है। फिर मैंने उसको काउंसलिंग किया, उसके साथ में सीटिंग्स किए बहुत सारे, और फिर उसको क्लियर हो गया कि उसको जेंडर आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम है, कि उसको जेंडर क्या है, लड़का है कि लड़की, यही उसको क्लियर नहीं है। फिर मैं और उसको डिटेल में जब गया, तो अभी ऐसा अभी एक पालक वर्गों में, मतलब पेरेंट्स में ऐसा हो चुका है, जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बहुत ही खुद को ज़्यादा बड़े समझते हैं, हाईली क्वालिफाइड और हाई फाई सोसाइटी के समझते हैं, बहुत ही पुरोगामी समझते हैं, उनका है कि अभी बच्चा पैदा होने के बाद में उसको लड़की है कि लड़का है ऐसा बोलना है क्यों, उसको बड़ा होने दो और बाद में डिसाइड करेगा कि उसको लड़का रहना है कि लड़की रहना है, मतलब ऐसे भी बोलने वाले। तो शायद उसके बचपन में ऐसे हुआ कि उसको जब डिटेल काउंसलिंग करते गए कि उसके घर में लड़की चाहिए थी, तो उसको लड़कियों के कपड़े पहनाना, वो लड़कियों जैसा करता था भी तो उसको शाबाशी मिलती थी, अप्रिशिएट किया जाता था, और फिर बाकी जो लड़के थे उनके हाथ में बैठना उठना नहीं, इसको लड़की लड़की जैसे उन्होंने ये किया, ये बड़ा होने के बाद में तो लड़का तो है ही ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मगर अभी उसको प्रॉब्लम होने लगा। जो होमोसेक्सुअल लोग हैं जिनके साथ में ये उठा बैठा है, फिजिकल है, उनको लगता है कि होमोसेक्सुअल है, मतलब वो इसके साथ में इसलिए संबंध रख रहे हैं कि वो होमोसेक्सुअल है, उनको तो ये चाहिए। तो ऐसे ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम तैयार हो गया था। काउंसलिंग किया, काफ़ी सेशंस हो गए, हिप्नोथेरेपी सेशंस किए, और ये जो कन्फ्यूजन था उसको वो क्लियर हो गया। उसको बोला नहीं, उसको बोला ऐसा, मतलब उसको लगने लगा नहीं, मैं लड़का हूँ और वही ठीक हूँ, आई एम कम्फर्टेबल नाउ, मेरे दिमाग में जो था वो ठीक हो गया है, और मैं अभी लड़का करके रहूँगा, और ये होमोसेक्सुअल जो है वो मेरा, मैं लड़की हूँ करके लगता था, अभी वो मैं बंद करूँगा, और मैं अभी इसके बाद में एज ए लड़का रहूँगा, नॉट एज होमोसेक्सुअल बट एज ए हेट्रोसेक्सुअल। अभी मेरा आकर्षण लड़कों के प्रति है, तो उसके लिए भी अभी मैं कोशिश करूँगा, कि बहुत प्रेशर घर से आ रहा है कि भाई शादी कर शादी कर शादी कर करके। तो काउंसलिंग के बाद में उसके काफ़ी क्लैरिफिकेशन हुए। जैसे वो अभी आएंगा और मेरे पास में, तो और आगे की वीडियो में आपको बताऊँगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत लोगों को है सेक्स प्रॉब्लम्स के बारे में। ये लड़का एक्चुअली खुदकुशी करने जा रहा था कि इसमें से रास्ता नहीं मिल रहा है, खुदकुशी कर लो, मगर उसको प्रॉपर काउंसलिंग मिल गया, प्रॉपर लोगों ने लाया मेरे पास में, तो वो ठीक हो गया। वीडियो आपका अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।